आज आप सभी लोगों को पता है, हमारे गौरव नीलू सीएम साहब ने एक मीटिंग, एक नहीं दो डिटेल्ड मीटिंग करके, जो एक हैदराबाद सिटी में और आसपास के शहरों में जो ये एक ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यूथ और कुछ सिटीज़न बहुत नुकसान उठा रहे हैं, एक पूरी की पूरी जनरेशन कई स्टेट्स में बर्बाद हो गई है, तो उस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए जैसा सीएम साहब ने आदेश दिया, उसके बाद इमीडिएटली तेलंगाना पुलिस और ख़ास तौर से हैदराबाद सिटी पुलिस उस पर एक्शन स्टार्ट किया गया। और ये मीटिंग के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद, एक हफ्ता दस दिन के बाद में सीपी साहब ने एक नई विंग को कॉन्स्टिट्यूट किया, एचएनयू, हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग। ये विंग एक डेडिकेटेड है, मिस्टर चक्रवर्ती डीसीपी साहब हैं, इनके साथ में एक डेडिकेटेड टीम रहती है जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं और कंटिन्यूस 24 आवर्स ड्रग पेडलर, ड्रग कंज्यूमर, ड्रग का नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करके लोकल पुलिस की मदद से उसके पीछे जाके पूरा नेटवर्क को समझते हुए और पूरे नेटवर्क को अनर्थ करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक अहम कोशिश है कि हैदराबाद को पूरी तरीके से ड्रग फ्री, नशा मुक्त हैदराबाद, जैसा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्शन दी थी, किया जा सके, उसमें कंटिन्यूसली एचएनयू प्रयास कर रही है। उसके तहत एक दो इम्पॉर्टेंट केस पिछले दिन में कल और आज में, कल शाम से आज तक एचएनयू ने डिटेक्ट किए हैं। उसमें से जो पहला केस है, उसमें एक प्रेम उपाध्याय लोकल है, शिवम रोड का रहने वाला, ये एक कंटिन्यूस गोवा ट्रिप जाता था, वहाँ पर एक लक्ष्मीपति के संपर्क में आया। लक्ष्मीपति के संपर्क में आने के बाद जो प्रोसेस्ड ड्रग्स हैं, जिनकी थोड़ी सी एक सेलेक्ट मार्केट में बहुत डिमांड है, LSD, एक्सटेसी पिल्स और हैश ऑयल, ये बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैं, तो इन सब का उसने गोवा से लाना और बाकी जगहों से भी सोर्स करना और कंज्यूमर्स को और बाकी के सब डीलर्स को सप्लाई करना शुरू किया। ये बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। इस नेटवर्क पर कंटिन्यूस काम करके एचएनयू और उनकी टीम ने इस प्रेम उपाध्याय को अरेस्ट किया। उसके पास से 6 LSD blots, 10 pills, 100 grams ऑफ हशीश ऑयल और सेलफोन बरामद किए गए। उसी के नेटवर्क के चलते 3 ड्रग कंज्यूमर, रामकृष्णा, निखिल जोशुआ एंड जीवन रेड्डी को भी अरेस्ट किया गया। यहाँ पे बात मैं साफ कर देना चाहूँगा कि ये कोई ओकेजनल या फर्स्ट टाइम कंज्यूमर नहीं थे, ये रेगुलर कंज्यूमर थे। न सिर्फ ये खुद ड्रग एडिक्ट हो चुके थे, बल्कि अपने साथियों को, अपने जानने वालों, एक दो लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा के इस जाल में उन्होंने फंसाने का कोशिश की थी। तो इस तरीके के लोगों को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये जो ड्रग्स का जहर है वो समाज में फैलने की आशंका है। इसके तहत इन 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया। ये लगभग एक पूरा नेटवर्क बना चुके थे। इसका नेटवर्क का सरगना जो अभी तक हमारी नॉलेज के हिसाब से लक्ष्मीपति है, जिसकी तलाश जारी है, जिसके बारे में क्लूज हैं और बहुत जल्दी उसे एचएनयू पकड़ गया, ऐसी हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं। और फिलहाल ये और इनके 3 कंज्यूमर्स हमको मिले हैं, बाकी का भी नेटवर्क जल्दी ही अनर्थ किया जाएगा। जो सेकेंड केस में एक के श्रीराम 25 ईयर्स, जो एक फ्रीलांसर है, उसने ट्राई एंड एरर, थोड़ा इधर उधर से ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद से एक ड्रग को बनाना सीख लिया। वो ड्रग का नाम है TMT, उसको एक्चुअली इट्स ए केमिकली प्रोसेस्ड ड्रग, डाई मिथाइल ट्रिप्टोमाइन बोलते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसको चांगा बोलते हैं। तो ये बहुत ही पोटेंट ड्रग है, अगर एक बार इसका सेवन किया जाए तो उसके बाद में आधे घंटे तक बड़ा स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन रहता है। और जरा इसका जो कंज्यूम करते हैं वो, इसका एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, यहाँ पे इस एंड पे ड्रग लगा के एक दूसरा इंसान उसमें यहाँ से फूंक मारता है, तो सीधे उसकी नोस्ट्रिल के ज़रिए उसके सिस्टम में चली जाती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था इसके लिए। और ये भी एक दूसरा इक्विपमेंट है, इसे आप दिखा दीजिए। और ये जो है, ये इतनी पोटेंट ड्रग इसने तैयार की कि 1 ग्राम ड्रग तकरीबन 20 लोग उसमें कंज्यूम कर सकते हैं एंड दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये
इसमें इसने ट्रायल एंड एरर करके कुछ केमिकल शॉप में जाके कोई पर्टिकुलर केमिकल्स को लिस्ट आउट किया, उसको मंगाता था, कुछ ओपन सोर्स से मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेता था, कुछ कंस्टिट्यूएंट इसके अमेजन से भी मंगाता था, लेवेंडर सिंपल टाइप के कंस्टिट्यूएंट, उसको एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसने रेक्टिफाई करके प्रोसेस करके और रिफाइनमेंट करके उसका ये ड्रग तैयार किया एंड ही बिकेम एक्सपर्ट इन प्रोसेसिंग दिस ड्रग। और जब उसने अपने कुछ लोगों को उसको पहले शुरू शुरू में कम लोगों को बेचा तो इसके हिसाब से बहुत अच्छी फीडबैक आई, तो उसके बाद से इसका मार्केट एक्सपेंड होता गया, एक जो कंज्यूमर था वो भी पकड़ा गया। ये बहुत, मैं कहूँगा कि इस तरीके के लोग हैं समाज के लिए बहुत डेंजरस हैं, जो इतना कमिटमेंट जो इसने इसमें दिखाया कि देखिए कितना ट्रायल एंड एरर करने के बाद में एक ड्रग डेवलप किया और उसको उसके बाद से कंटिन्यूसली उस नेटवर्क का ये विस्तार कर रहा था। तो इमीडिएटली ऐसे लोगों पर रोक लगाना ज़रूरी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से हैदराबाद के सभी शहरियों से सीपी साहब की तरफ से अपील करूँगा कि ये ड्रग का जो इफेक्ट होता है, ये अभी हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे, बहुत ही घातक और बहुत ही भयानक होता है। ये एक वन वे स्ट्रीट है जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं होता। तो पीयर प्रेशर हो या सिर्फ एक बार ना टेस्ट करें ना टेस्ट करें, मेरी आप सब लोगों से अपील है, बल्कि इस मामले में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो इमीडिएटली पुलिस को इत्तला करें। आपके ये एक्शन करने से कितनी ज़्यादा जिंदगियाँ और फैमिली सेव हो सकती हैं। धन्यवाद।